उत्तर पूर्वी दिल्ली करावल नगर अंकुर इनक्लेव में स्थित शांति निकेतन पब्लिक स्कूल द्वारा 25 जनवरी 2021 को अनोखे अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक व चेयरमैन रामबल बंसल, मैनेजर अतुल बंसल एवं विद्यालय के अध्यापक भी मौजूद रहे। रामबल बंसल ने ध्वजारोहण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कोरोना संक्रमण के कारण फैली महामारी के दौर में भी विद्यालय द्वारा इस प्रकार का आयोजन अत्यंत सराहनीय व प्रेरणादायक है। कोरोना काल में भी विद्यालय द्वारा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ उनको मानसिक तनाव से बचाने के लिए समय समय पर योगा, डांस, पेंटिंग व क्विज आदि की ऑनलाइन प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया। विद्यालय में बच्चों के लिए कोरोना काल में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी के साथ साथ मदर्स डे, क्रिसमस डे, टीचर डे, कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस आदि का आयोजन भी वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से कराया गया। ये पर्व बिना बच्चों के तो कोई भी पर्व हो, यही क्या कोई भी पर्व हो, बिना बच्चों के तो बड़ा अधूरा अधूरा लगता है, सूनापन सा लगता है। लेकिन समस्याएं, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमें उसी अनुसार वर्चुअली ही सेलिब्रेट करना पड़ा। और बहुत ज़्यादा एक साल हो चुका है पूरा लगभग, और हम बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। विद्यालय में आते हैं, सुना सुना विद्यालय लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन समस्याएं हैं तो उसके अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा। जब मैंने ये वीडियो देखी बच्चों की, मुझे तो बड़ा गर्व महसूस हुआ अपने बच्चों पर। उन्होंने इस प्रकार से प्रस्तुति की है और इस प्रकार से सारे प्रोग्राम प्रस्तुत किए हैं, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट के इतना अच्छी इन्होंने प्रस्तुति दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है और इस समय को उन्होंने अवसर में बदला और काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा। बहुत अच्छा बच्चों ने प्रयास किया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो उनकी चयन समिति थी अटल सम्मान समारोह की, उन्होंने मुझे चयन किया मेरा। और आगे मैं भविष्य में कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छा अपना प्रयास करूँ स्कूल के लिए, सामाजिक सेवाओं के लिए। उस सम्मान से मुझे आगे के लिए और मेरे ऊपर प्रेशर आ गया है कि मैं इस फील्ड में और बहुत अच्छा अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो कोशिश करूं। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने स्पीच, डांस, देशभक्ति गीत व समाज को संदेश देने वाले कई वीडियो भेजे। विद्यार्थियों द्वारा ये वीडियो बनी किसी ट्रेनिंग के स्वयं तैयार किए गए, जो कि यह दर्शाता है कि हमारे विद्यार्थी भी इस महामारी का पूर्ण मनोबल के साथ सम्मान करने में सक्षम है, तथा विद्यार्थियों के इस प्रकार के प्रयास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर एक महामारी को शुभ अवसर में बदलने का एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा विद्यालय के अध्यापकों ने एक शानदार देश भक्ति गीत ऐ मेरे प्यारे वतन की सुंदर प्रस्तुति दी। 72वां रिपब्लिक डे मनाया है वर्चुअली। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पेंडेमिक की वजह से हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं है स्टूडेंट्स, और इसीलिए उनकी कमी महसूस हो रही है। वर्चुअली प्रोग्राम मनाने का पर्पज हमारा यह है कि बच्चों के जो वीडियोज हैं वो भी YouTube पर आएँ और बच्चे उसको देखें, और बच्चों की कमी जो महसूस हो रही है वो अब थोड़ा सा कुछ कम हो। उन पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगी जो बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे स्कूल से जो भी एक्टिविटी जा रही है, कोई भी प्रोग्राम के लिए जा रहा है, कोई कॉम्पिटिशन जा रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी हमने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखा था तो हमने ये कहा था कि बाहर से कुछ भी परचेज नहीं करना है। पेरेंट्स ने खुद घर पे बनाया बाय वेस्ट मटेरियल और बहुत अच्छे से बच्चों को परफॉर्म कराया। आई एम वेरी थैंकफुल टू द पेरेंट्स। कुछ बच्चों की वीडियो बहुत ही अच्छी थी, मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया और बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। कोरोना काल में बच्चों ने जिस तरीके से मेहनत करी घर पे, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके, बिना किसी टीचर्स की हेल्प के, बिना किसी कोरियोग्राफर की हेल्प से, उन्होंने बहुत अच्छा किया। बच्चों के बिना तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता सर। हम उनको मिस कर रहे हैं, वो भी हमें मिस कर रहे हैं बच्चे। हम तो कुछ ज़्यादा ही बच्चों को मिस कर रहे हैं क्योंकि उनके बिना बिल्कुल स्कूल में रौनक ही नहीं है सर। और स्कूल नहीं लगता। हाँ, जितना हम उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम उनसे बात करते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने अच्छी मेहनत की है गणतंत्र दिवस के लिए अपना। सर नहीं, बहुत अच्छे किया बच्चों ने, और मैं भी बच्चों को अप्रिसिएट करना चाहूँगी इस सिलसिले में कि बच्चों ने मेहनत भी बहुत की और ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा टीचर्स ने उनको समझाया भी है उस चीज़ के बारे में, और बच्चों ने उसे अच्छे से समझा, पेरेंट्स ने उसे समझा और साथ में उसको दिखाया। बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है घर पे, जो वीडियोस बनाई हैं टीचर्स के कहने से, पेरेंट्स के सपोर्ट से, बहुत अच्छा जो काम किया है बच्चों ने। आगे भी ऐसे ही करते रहें
और स्कूल तो बच्चों के बिना स्कूल है ही नहीं। भले ही कोरोना संक्रमण के डर से स्कूल बंद हो, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से और ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से शांति निकेतन स्कूल बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहा है, जिसका उदाहरण सोमवार को स्कूल के गणतंत्र दिवस समारोह में देखने को मिला। दिनेश सोलंकी, 23 निगाहें, दिल्ली।